इस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन फिक्की के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के मौके पर महफिल मुशायरे का आयोजन आराम पार्क इलाके में किया गया। सर्वोकॉन के सीएमडी हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी व दिल्ली स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस मुशायरे में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली सरकार के चेयरमैन जाकिर खान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इंटरनेशनल शायरा अना दहलवी सहित मशहूर शायर व कवियों ने अपने कलाम पेश किए। मंच का संचालन दानिश अयूबी द्वारा किया गया। इस मौके पर हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, लॉयन गुलफाम, अबुल रशीद अंसारी, मोहम्मद इलियास सैफी, चौधरी रियासत अली, हाजी शाहनवाज आदि विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज जो ये हमारा यौम जमहूरी का दिन था उसके मौके पर ये रखा गया है, और कोविड के बाद में इस तरह के प्रोग्राम जो है वो नहीं हो पा रहे थे, आज ये प्रोग्राम भी हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर मुश्ताक साहब ने ये प्रोग्राम रखा, हमेशा रखते रहते हैं, और हमारी दुआ है कि वो इस तरह के प्रोग्राम और भी आगे रखें, उनको और अल्लाह ताला मजबूत करे। और इससे एक अच्छा पैगाम जाता है समाज के अंदर, यहाँ पर हर तबके का लोग यहाँ मौजूद थे, और आज ये मशायरा भी इस बात की मैं समझता हूँ कि एक मिसाल कायम रहेगी कि हमारे यहाँ कोई भी फिरका परस्त पार्टी जो है हमें आपस में कोई फूट नहीं डाल सकती। हम हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं और एक हमेशा रहेंगे, चाहे कोई भी हुकूमत हो या कोई भी फिरका परस्त पार्टी हो, वो हमारे को अलग नहीं कर सकती। और आज के दिन में हमारी दुआ है कि ये फेस ग्रुप और ज़्यादा तरक्की करे, उनके जो तमाम लोग हैं उनको भी और ज़्यादा तरक्की मिले, और साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप हिंदुस्तान का जो हमारा जो नाम है वो रोशन हो, पूरी दुनिया के अंदर पूरी तरक्की करें और मिलजुल के हम लोग रहें।